हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं कि आपके बच्चे जो हैं देते हैं आपको उल्टा जवाब और नहीं सुनते आपकी बातें, तो मेरे पास है आपके लिए कुछ सुझाव। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप लर्निंग नेवर एंड्स फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है सिर्फ एक बार उसे आपको लाइफ लॉन्ग सब्सक्राइब करना है, तो वो बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता या फिर आपको उल्टे जवाब देता है या आपकी बातों को इग्नोर करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूंगी कि बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि बच्चा हमसे सीखता है। यानी अगर बच्चे के माता पिता आपस में, उनकी बॉन्डिंग ऐसी है कि वो आपस में बच्चे के सामने लड़ते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, बच्चा जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो चीज़ों को ग्रेस्ट करके उसके बाद वही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर आप बच्चे के सामने ना करें एज अ पेरेंट जो आपको पसंद नहीं, अगर आपका बच्चा करे तो। यानी आप तो वो काम करते हैं, आप एक दूसरे से लड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपशब्द कहते हैं, बट अगर वही चीज़ आपका बच्चा करता है तो आप उसे पनिश करते हैं या फिर गुस्सा करते हैं। तो पहली चीज़ यही कि आप वो काम ना करें, माता पिता इस तरीके के शब्द ना बोलें बच्चे के सामने। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आप बच्चे का कभी किसी से कंपैरिजन ना करें। जी हाँ, जब भी हमारा कोई किसी से कंपैरिजन करता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हीन भावना जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते या फिर किसी लायक नहीं है, डिज़र्विंग नहीं है। और स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें लगता है उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम उनके सामने बता रहे हैं कि हमारा तो बहुत शैतान है, हमारी बातें नहीं सुनता। बड़े बच्चों से ज़्यादा छोटे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होता कि उनके मदर या फादर किसी के सामने उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात करे। वो उन्हें गुस्सा आ जाता है, और वो अपना गुस्सा जाहिर किस तरीके से करते हैं, सामान को, पिलोज़ को इधर से उधर उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। तो बड़े बच्चे जो हैं वो अपना गुस्सा कैसे, अपने अंदर ही अंदर अपने पेरेंट्स के लिए नेगेटिव चीज़ें जो हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा मेरा कंपैरिजन करते रहते हैं या फिर मुझे सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके की चीज़ें जो हैं बच्चे अपने अंदर आनी शुरू कर देते हैं। तो बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना, उसके अंदर हीन भावना किसी भी तरीके से नहीं आने देनी है। अगर आपका बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो आप उसके लिए करेंगे बच्चे को मोटिवेट। पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर जितनी आप डालेंगे उससे आपका बच्चा जो है वो उतना ही आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनेगा और समझेगा भी। तो आपको क्या करना है, बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसे अप्रिशिएट करना है। और अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है, ये बताइए, आप अपने आप से जवाब मांगिए कि क्या कभी आपसे कोई गलती नहीं हुई। होती है, हर दूसरे दिन किसी न किसी काम से हमसे छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। और अगर आप सिंगल फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। बट अगर आप एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ आपकी गलती पे आपको टोका जा सकता है, आपको गुस्सा किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर भी होता है। तो ये डर आप ना बनने दें बच्चे के अंदर। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे प्यार से समझाएं, तभी वो उस गलती को एक्सेप्ट करेगा प्लस उस गलती को समझेगा, अगर आप उसे प्यार से समझाएं। बच्चे को ना आप एग्जाम्पल से समझाएं। एग्जाम्पल से सबको समझ में आता है, तो बच्चों को भी बिल्कुल आता है। पर फिर वही बात कहूँगी कि बच्चों का मेंटल लेवल हमसे अलग होता है, बच्चों की सोच जो होती है वो हमसे अलग होती है, उन्होंने हमारी जितनी लाइफ अभी नहीं देखी है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे हम बचपन में उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, तो बिल्कुल उस लैंग्वेज में हम जब छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं जिससे कि हमारे बच्चे को समझ में आ जाए। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल आप उन पर सेट करें, अपना जो ज़बरदस्ती का ज्ञान है वो उन पर ना थोपें। उनके लेवल के एग्जाम्पल देकर आप उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ कराएं या फिर कोई चीज़ उन्हें
समझाएं। दूसरी बात, बच्चों के साथ कभी ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए घर में चार गेस्ट आए हैं, आपने बच्चों को कुछ काम बोला और बच्चे का मन नहीं है उस वक्त करने का, आपके पास भी ऐसे थाउजेंड्स रीज़न होते हैं जब आपका किसी काम को करने का मन नहीं होता और आप मना भी कर देते हैं, तो ये राइट आपके बच्चे को भी है। बट आपको वो बुरा लगता है कि चार लोगों के बीच में बच्चे ने इस तरीके का बिहेव किया, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उस वक्त अपनी ईगो को साइड में रख के बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें। इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और आपकी बातों को काटना शुरू कर देता है, और हो सकता है कि अगर आप बार बार ये काम उसके साथ करती रहें तो बाकी लोगों के सामने भी वो आपको उल्टा जवाब देना शुरू कर दे, आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने बच्चे को जब भी समझाएं तब समझाएं जब उसका गुस्सा शांत हो जाए। अगर आप उससे कोई गलती हो गई है या फिर वो किसी गुस्से में है तो उसका गुस्सा पहले शांत होने दें और फिर बहुत प्यार से, क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ आप जानते हैं कि आप उसे कैसे मना सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, तब समझाएं और ढेर सारा प्यार दें। अब प्यार, आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बट वो प्यार जो है उसका मतलब होता है टाइम। आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसे समझें। तो अगर आपकी पेरेंटिंग इस तरीके की होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे कभी आपको पलट के जवाब नहीं देंगे, कभी आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको अपने बच्चे के सामने नहीं लड़ना, आपको उसे उल्टे जवाब नहीं देना माता पिता को उसके सामने, आपको आपके बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपना ज्ञान उसके ऊपर नहीं थोपना है। अगर आपके बच्चे ने कोई भी अच्छा काम किया है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना है। प्लस अगर गलती करी है तो ध्यान रहे कि आपका गुस्सा शांत होना चाहिए, बच्चे का गुस्सा शांत होना चाहिए, तभी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डेवलप हो सकती है। आप उसे उस वक्त समझाएं, ये बातें आपके ज़रूर काम आएंगी। बाकी मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।